क्या आप कपास की खेती करने की सोच रहे हैं? तो आप एकदम सही जगह आए हैं। कपास भारत की एक मुख्य फसल है जिसकी डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे में आज हम आपको कपास से जुड़ी अहम जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रुक्मणी चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। कपास का नाम जितना सुनने में सुखद लगता है, उतना ही ये देखने में भी खूबसूरत होता है। देश में कपास की डिमांड हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई किसान कपास की खेती को अपना व्यवसाय बना रहे हैं, लेकिन कई लोग इसकी खेती से पहले कुछ मामलों को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजन फसल में गुलाबी सुंडी जैसे रोग लगते हैं और फसल खराब हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कपास की खेती से पहले अहम कारकों के बारे में। पहले बात करते हैं कि कपास की सही किस्म कैसे चुनें। कपास की सही किस्म को उगाने की कुंजी एक ऐसा पौधा ढूंढना है जिनमें उत्पाद की कटाई के समय उपज और गुणवत्ता के बीच सही संतुलन हो। इसके बाद उसके फाइबर की गुणवत्ता पर एक नज़र डालें। उदाहरण के लिए, यदि आपका खेत सूखे की चपेट में है तो ये तय करने से पहले कि आप किस प्रकार को चुनकर आगे बढ़ेंगे उस पर गौर करें। इसके बाद आइए अब जानते हैं कि कपास की खेती के लिए भूमि कैसे तैयार करें। अच्छी कपास को सफलतापूर्वक उगाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए। आपको कपास के पौधे की बढ़ती अवधि के लिए मध्यम वर्षा या नियंत्रित सिंचाई वाले स्थान की आवश्यकता होती है। कपास के पौधे को परिपक्व होने के लिए लंबी धूप वाले दिन की जरूरत भी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कपास के पौधे की जड़ें मजबूती से टिकी रहती हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों तक पहुँचने के लिए उन्हें बढ़ने की जरूरत होती है, और इसलिए आपको अपने खेतों में गहरी ढीली मिट्टी रखना होगा। इसके बाद कपास की जुताई और बुआई के बीच अंतर को जितना संभव हो सके उतना कम रखें। इसके बाद आइए जानते हैं कि कपास के लिए खाद का चयन कैसे किया जाए। कपास के पौधे को आमतौर पर भरपूर वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ये वह पोषक तत्व हैं जिसका पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता मानी जाती है, और जब तक कि आपके खेतों में किसी अन्य पोषक तत्व की अविश्वसनीय रूप से कमी ना हो। यदि आप जैविक किसान बनना चाहते हैं तो कपास की खेती के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कपास के लिए कीटनाशक कैसे चुनें। जब कपास की बात आती है तो इसकी खेती में कीट एक गंभीर समस्या होती है। ज़्यादातर देखा गया है कि कपास की फसलों में गुलाबी सुंडी लग जाती है, जिसकी वजह से कपास का पौधा खराब हो जाता है। गुलाबी सुंडी कपास के खेतों में इतनी तेज़ी से अपना असर दिखाती है कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, या यूँ कहें तो असंभव है। ऐसे में आपके लिए हमारा सुझाव ये होगा कि आप पूरी तरह से शोध यानी रिसर्च करें कि अपने खेतों पर जड़ी बूटियों और कीटनाशकों के प्रभाव को संतुलित रखें, क्योंकि कीटनाशक ज़्यादातर सस्ते होते हैं और मिट्टी की अम्लता और पोषक को नुकसान पहुंचाने से लेकर पर्यावरण को नुकसान देते हैं। तो ये तो थी कपास को उगाने से पहले कि किन बातों का रखें ध्यान। यदि आप कृषि से जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मुझे रुक्मणी चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।